वीक 46 की ऑनलाइन टीआरपी रिपोर्ट आ चुकी है, तो चलिए जानते हैं सप्ते की लिस्ट में क्या क्या बदलाव हुए हैं, किन किन टीवी शोज ने टॉप 20 की लिस्ट में जगह बनाई है। नंबर 20 पर इस हफ्ते आया है सोनी टीवी का नया शो कामना, जिसने हासिल किए हैं 1.6 रेटिंग पॉइंट्स। अभिषेक रावत, चांदनी शर्मा और मानव गोहिल स्टारर इस शो की है ओपनिंग टीआरपी है। नंबर 19 पर आया है कलर्स का नया सीरियल सिर्फ तुम, जिसने हासिल किए हैं 2.0 रेटिंग पॉइंट्स। विवियन डसेना और ईशा सिंह स्टारर इस शो की भी है ओपनिंग टीआरपी ही है, हालांकि नए शोज की ओपनिंग टीआरपी पहले हफ्ते में उतनी अच्छी नहीं आती। नंबर 18 पर आया है जी टीवी का सीरियल मीत, जिसने हासिल किए हैं 2.8 रेटिंग पॉइंट्स। यह शो अब ऑनलाइन टीआरपी में भी टॉप 20 में बना हुआ है, लास्ट वीक भी शो नंबर 18 पर ही था। नंबर 17 पर आया है एंड टीवी का कॉमेडी शो भाभी जी घर पर हैं, जिसने हासिल किए हैं 3.0 रेटिंग पॉइंट्स। ऑनलाइन टीआरपी में यह शो भी हमेशा टॉप 20 की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब होता है। नंबर 16 पर आया है कलर्स का सीरियल ससुराल सिमर का सीजन 2, जिसने हासिल किए हैं 3.6 रेटिंग पॉइंट्स। राधिका मुथु कुमार, अविनाश मुखर्जी और सुमित भरद्वाज स्टारर यह शो भी ऑनलाइन टीआरपी में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नंबर 15 पर आया है स्टार प्लस का सीरियल इमली, जिसने हासिल किए हैं 5.0 रेटिंग पॉइंट्स। यह शो ऑनलाइन टीआरपी में भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, लास्ट वीक शो नंबर 16 पर था। नंबर 14 पर आया है जी टीवी का सीरियल कुमकुम भाग्या, जिसने हासिल किए हैं 7.0 रेटिंग पॉइंट्स। यह शो भी टॉप 15 में ही रहता है, लास्ट वीक यह शो नंबर 13 पर था। नंबर 13 पर आया है कलर्स का सीरियल उड़ारियां, जिसने हासिल किए हैं 8.0 रेटिंग पॉइंट्स। उड़ारियां सीरियल भी दोनों तरह की टीआरपी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लास्ट वीक यह शो नंबर 12 पर था। नंबर 12 पर इस हफ्ते आया है स्टार प्लस का सीरियल ये है चाहते, जिसने हासिल किए हैं 9.0 रेटिंग पॉइंट्स। सरगुन कौर लूथरा और अब्रार काजी स्टारर यह शो लास्ट वीक नंबर 11 पर था। नंबर 11 पर इस हफ्ते आया है कलर्स का शो बिग बॉस 15, जिसने हासिल किए हैं 12.0 रेटिंग पॉइंट्स। इस हफ्ते शो की रेटिंग्स में उछाल आया है, लास्ट वीक यह शो नंबर 14 पर था। नंबर 10 पर आया है स्टार प्लस का सीरियल गुम है किसी के प्यार में, जिसने हासिल किए हैं 14.0 रेटिंग पॉइंट्स। यह शो भी दोनों तरह की टीआरपी में टॉप 10 में बना हुआ है, लास्ट वीक भी शो नंबर 10 पर ही था। नंबर 9 पर आया है जी टीवी का पॉपुलर सीरियल कुंडली भाग्या, जिसने हासिल किए हैं 18.0 रेटिंग पॉइंट्स। यह शो भी दोनों तरह की टीआरपी में बेहद ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लास्ट वीक शो नंबर 8 पर था। और नंबर 8 पर इस हफ्ते आया है कलर्स का सीरियल छोटी सरदारनी, जिसको मिले हैं 22.0 रेटिंग पॉइंट्स। यह शो लास्ट वीक नंबर 9 पर था। नंबर 7 पर आया है जी टीवी का सीरियल भाग्यलक्ष्मी, जिसने हासिल किए हैं 25.0 रेटिंग पॉइंट्स। इस हफ्ते शो को दो पैदान का नुकसान हुआ है, लास्ट वीक शो नंबर 5 पर था। और नंबर 6 पर आया है सब टीवी का कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसने हासिल किए हैं 29.0 रेटिंग पॉइंट्स। ऑनलाइन टीआरपी में भी यह शो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता रहता है, लास्ट वीक यह शो नंबर 7 पर था। और नंबर 5 पर सबसे आया है सोनी टीवी का शो बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2, जिसने हासिल किए हैं 34.0 रेटिंग पॉइंट्स। इस हफ्ते शो की रेटिंग्स में गिरावट आई है, लास्ट वीक यह शो नंबर 3 पर था। नंबर 4 पर आया है सोनी टीवी का शो द कपिल शर्मा शो, जिसने हासिल किए हैं 36.0 रेटिंग पॉइंट्स। इस हफ्ते शो को दो पायदान का फायदा हुआ है, लास्ट वीक यह शो नंबर 6 पर था। और नंबर 3 की पोजीशन हासिल की है गेम शो कौन बनेगा करोड़पति ने, जिसने हासिल किए हैं 40.0 रेटिंग पॉइंट्स। सोनी टीवी का यह शो भी दोनों तरह की टीआरपी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नंबर 2 पर आया है स्टार प्लस का सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसने हासिल किए हैं 42.0 रेटिंग पॉइंट्स। शो बाग टीआरपी में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ऑनलाइन टीआरपी में तो शो का परफॉर्म बेहद ही अच्छा है। नंबर 1 का स्थान हासिल किया है अनुपमा ने, जिसने हासिल किए हैं 46.0 रेटिंग पॉइंट्स। यह शो दोनों तरह की टीआरपी में लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। तो ये है वीक 46 की ऑनलाइन टीआरपी रिपोर्ट। अगले हफ्ते इस लिस्ट में क्या बदलाव आ सकते हैं, अपनी ओपिनियन दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।